आज़ादी की आड़ में पाक की नापाक साजिश को यूपी एटीएस ने कैसे किया नाकाम। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त की आड़ में जैश ए मोहम्मद और तहरीक ए तालिबान से जुड़े एक आतंकी को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस संदिग्ध आतंकी का नाम नदीम बताया जा रहा है, जो आत्मघाती हमले की फिराक में था। बीजेपी की निलंबित नेता नुपुर शर्मा इस आतंकी के निशाने पर थी और इसका खुलासा उसने खुद ही किया है। पकड़े गए आतंकी के फोन से पाकिस्तान अफगानिस्तान के आतंकियों के साथ कनेक्शन होने के अलावा चैट और वॉइस मैसेजेस भी मिले हैं। बताया जा रहा है कि यह आतंकी सहारनपुर का रहने वाला है, जिसकी उम्र करीब 24 से 25 साल तक बताई जा रही है। मोहम्मद नदीम नाम के इस शख्स ने 10वीं तक की पढ़ाई की है, जिसकी अंग्रेजी और उर्दू भाषा पर जबरदस्त पकड़ है। उसे अंग्रेजी और उर्दू में बात करने के अलावा फेक आईडी बनाने में भी महारत हासिल है। उसे टेक्नोलॉजी की काफी अच्छी समझ है। सोशल साइट के जरिए उसने आत्मघाती हमले की ट्रेनिंग ली और अब वह एक बड़े हमले की तैयारी में था। आइए अब जान लेते हैं कि इस आतंकी को यूपी एटीएस की टीम ने आखिर पकड़ा कैसे। पाकिस्तान से भी इसके साठगांठ होने की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि उसके पास से कई और चीजें भी बरामद हुई है। पाक से आए सर तन से जुदा गैंग का महज एक शख्स ही पकड़ा गया है। अभी और न जाने इसमें कितने लोग शामिल हैं। इस गैंग को नुपुर शर्मा का काम तमाम करने की जिम्मेदारी दी गई थी। हालांकि उसके पहले ही यह शख्स यूपी एटीएस की टीम के शिकंजे में फंस गया और अपने इरादों में नाकामयाब रहा। अब जरा सोचिए कि यदि यह शख्स अपने मंसूबों में कामयाब हो जाता तो 15 अगस्त के दिन देश का माहौल कैसा होता। इस आतंकी के जरिए जैश ए मोहम्मद और तहरीक ए तालिबान ने पूरे हिंदुस्तान को दहला देने की योजना बनाई थी। खुलासे में पता चला कि नदीम फिदायीन हमले की साजिश कर रहा था। कई सरकारी बिल्डिंग को निशाना बनाकर ध्वस्त करने की फिराक में था। उसके निशाने पर पुलिस परिसर भी थी। साल 2018 से ही वह जैश और तालिबान के संपर्क में था। उसे ऑनलाइन ही सारी चीजें उपलब्ध कराई जा रही थी। जल्द ही वह पाकिस्तान जाने की तैयारी में भी था। बता दें कि एटीएस को यह भी पता चला है कि नदीम के संपर्क में भारत में कुछ और लोग भी हैं, जिनका पता लगाने में एटीएस की टीम जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।